पहली बैठक हुई है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम यहाँ दिखाया है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय बाबा जी के नाक में जिस तरह से दम कर दिया है हम समाजवादियों ने और सभी हम कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। बैठक में क्या निकल गया है, क्या 10 सीटों को लेकर? अब वो आपको पता चल जाएगा, अध्यक्ष जी का अभी अच्छे से, अध्यक्ष जी के अभी बयान आ जाएंगे, वो आपको अच्छे से। गोरखपुर का चुनाव आप जीतते जीतते रह गई हैं, क्या कहेंगी गोरखपुर के चुनाव को लेकर? देखिए IB की रिपोर्ट भी कह रही थी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और वहाँ पे रवि किशन जी का कोई जनाधार ही नहीं है, किसी तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया था। और मैं लगातार चल रही थी, वहाँ की बहू थी, वहाँ की लोकल थी और वे बाहरी थे, लेकिन होता है ना कि मुख्यमंत्री जी के गढ़ में मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी, रवि किशन जी का ये चुनाव था ही नहीं। तो मुख्यमंत्री जी भाई अपना अपमानित तो नहीं करना चाहेंगे, शाम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। आप बीमार भी हो गई थी चुनाव के बीच, उसके बाद भी आपने प्रचार जारी रखा था? बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार रहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर की हड्डी टूट जाए, चाहे मेरे हाथ ही क्यों ना टूट जाए, मैं लगातार चलती रहती हूँ। आज भी देखिए चुनाव जीतने के बाद भी कुछ लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ लगातार। तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में काजल निषाद किस तरीके से मेहनत करने आ रही हैं? बहुत अच्छी तरह से मेहनत करूंगी, जहाँ जहाँ आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वहाँ वहाँ जाकर खूब दमदारी से प्रचार करूंगी, जैसे मैंने घोशी का प्रचार किया था, अजमतगढ़ का, आजमगढ़ का किया था, वैसे ही करूंगी। बहुत शुक्रिया।